दिल्ली बॉर्डर पर कुछ भी नहीं बदला है। किसान आंदोलन की न तो धार थमी है न रफ्तार। किसान अड़े हैं, सरकार की मंशा पर आज भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ाट में सरकार ने मीटिंग बुलाई भी आप अगर प्रपोजल ले जाएं, और प्रपोजल के लिए भी कभी अमित शाह के घर कभी वो विज्ञान भवन में मतलब दौड़ाते रहे किसानों को। मतलब सरकार की नीयत और नीति में फर्क है, खोट है, हम पहले दिन से बता रहे हैं। सरकार इतनी जल्दी ये बिल निरस्त करने वाली नहीं। लग तो यही रहा है कि अमित शाह की पहल परवान नहीं चढ़ पाई। 2 घंटे की मैराथन बैठक नाकाम हो गई। किसान और सरकार के बीच अविश्वास की खाई भर नहीं पाई है। सरकार संशोधन का वादा कर रही है तो किसानों का एक ही सवाल है, तीनों कानूनों का अंत कब होगा? 40 बिंदु हैं जो तीनों काले कानूनों में 40 बिंदु ऐसे हैं जो किसानों के विरोध में हैं। अगर हम उसमें 40 बिंदु हुई किसानों के विरोध में है तो उसमें रह क्या गया? तो काले कानून खत्म कर देने चाहिए, नया कानून लागू करे। हमने तो कानून मांगे नहीं थे सरकार से, सरकार हम पे थोप रही है। कोई इसके ऊपर कानून नहीं बनेगा। मेरे जो माँ बाप है इसको देखो बड़ेपे में कितना इधर बैठा है। इन्हों चोली में हक डाल के वापस दे दे, मेरे को पकड़ के जिधर भी मर्जी लेके जाए, जो बड़ा जलाल लेके आए पैरों से काट के सर तक काट दे, हम सी नहीं कहेंगे, हम खून देने के लिए तैयार है, छोड़ेंगे नहीं इसको। अब तक की बैठकों का नतीजा क्या रहा, इसे आप किसान नेताओं की आवाज और उनके अंदाज से समझ सकते हैं। अब तक की कवायद इस नतीजे पर पहुंची है कि सरकार संशोधनों का पूरा ब्यौरा किसानों को भेजेगी। किसान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। दोपहर 12 बजे किसानों की एक और बैठक है। बैठक में सरकार के संशोधन प्रस्ताव पर किसान अपना स्टैंड तय करेंगे। किसानों ने कृषि कानूनों पर अपने ऐतराज, अपना डर खुलकर सरकार को बताया है। सरकार भी पूरे दम से किसानों की आशंकाएं खत्म करने में लगी है, लेकिन किसान यकीन नहीं कर पा रहे। किसानों को लगता है नए कानून से एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा, फसल मंडियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बड़ी कंपनियों के हावी हो जाने का भी डर है। ये भी आशंका है कि बड़ी कंपनियां छोटे किसानों की जमीन हड़प लेंगी। किसानों की हर उलझन, उनकी चिंता और उनका डर दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, लेकिन फिलहाल भरोसे का माहौल नहीं बन पा रहा है। चैलेंज है कि इस कानून में कहां लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाया जाएगा, बल्कि लिखा है कि एपीएमसी चालू रहेगी, एपीएमसी के बाहर भी बेचने की आजादी रहेगी, क्योंकि किसान की ये मांग थी, एपीएमसी के चंगुल से हमें मुक्त करो। नवंबर के अंत तक भारत सरकार ने एमएसपी के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए की खरीद की है धान की, पैडी की, और उसमें जो लगभग 350,000 टन खरीदा गया है उसमें 2/3 आपके पंजाब से खरीदा गया। आप समझ लीजिए हजारों करोड़ के किसानों को फायदा मिला है। सरकार के वादे अब तक बेअसर रहे। कानून वापस लेने की मांग से किसान कदम खींचने को तैयार नहीं। सुलह का रास्ता अब भी लंबा और मुश्किल दिख रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।